नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम चौधरी। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है दुधेश्वर नाथ मंदिर। गाज़ियाबाद का बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और बहुत पहले यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना खुद ब खुद हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग यहाँ पर खुद से ही थी, उसके ऊपर से ये मंदिर बनाया गया था। तो इस मंदिर को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। मैं चाहती थी कि आप मेरे साथ इसके दर्शन करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ इसे देख पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सबको दर्शन कराए जाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दर्शन करके कोई भी मनोकामना बोलते हैं तो वो हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो माता रानी से मेरा ऐसा मानना है कि माता रानी आपकी सारी इच्छा पूरी करे, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज आपको इस मंदिर के दर्शन हुए हैं, अगर कभी मौका मिले तो यहाँ आइएगा ज़रूर। हम बात करते हैं कि अगर पति किसी पत्नी का पति उसको प्यार नहीं करता, उसकी बात नहीं मानता, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि भोलेनाथ और माँ पार्वती, इनकी अगर हम पूजा करेंगे, हमने ये मंदिर चुना है इसीलिए क्योंकि ये भोलेनाथ का मंदिर है, माँ पार्वती उनके संग रहती हैं और महाशिवरात्रि पर उनका विवाह हुआ था, उनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो हम भी ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं इसको, आप भी करिएगा। और आज के दिनों में मैंने आपको इस मंदिर के दर्शन कराए, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपको ये दर्शन करा पाई, और आप भी खुशकिस्मत हैं कि ये दर्शन कर पाए। तो करते रहिए मेरे साथ दर्शन, और ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जिनके भी घरों में लड़ाई झगड़ा या जारी रहता है, जो पति अपनी पत्नियों की बात नहीं मानते, उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे उपाय करने चाहिए जिससे कि वो आपकी बात मानने लगे और आपका जीवन स्वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती की। अगर आप इनकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, तो आपको माँ पार्वती को पूरा श्रृंगार चढ़ाना होता है। जब आप श्रृंगार चढ़ाते हैं तो उससे जो आपके रिलेशन है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपकी बात नहीं सुनता, तो वो आपकी बात मानने लगते हैं और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आपके जो हस्बैंड है वो आपकी बात मानते हैं, आपकी जो वाइफ है वो आपकी बात मानती है। तो ये पूजा आप शिवरात्रि पर करेंगे अगर स्पेशली, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला, आपके ना जो रिलेशंस हैं वो सुधर जाएंगे, वो मधुर हो जाएंगे। ये आप ज़रूर करिएगा। आगे भी हम कुछ ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप अगर करते हैं तो वो आपको आपके रिलेशन में, आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, अगर आपके पति बात नहीं मानते तो बात मानने लगेंगे, अगर पत्नी नहीं सुनती है तो पत्नी सुनने लगेगी। कात्यायनी माँ की पूजा आपको इसमें करनी चाहिए, जो देवी दुर्गा के नौ रूपों में से एक रूप है कात्यायनी माँ। माँ दुर्गा, माँ कात्यायनी और शिव पार्वती, इन दोनों की पूजा अगर आप करेंगे अच्छे से, विधि विधान से कन्याओं को भोजन कराते हैं, चाहे नवरात्रि में कराएं या किसी भी बुधवार, बुधवार को कराने से आपका बुध ग्रह भी ठीक होता है और आपके आपस में रिलेशन भी ठीक होते हैं, और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, वो भी ये करा सकती हैं जो थोड़ी उम्र में बड़ी हैं, तो आपस में आपका प्यार बना रहेगा। बुधवार के दिन आप कन्याओं को भोजन कराएं, ज़रूर कराएं, कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, ट्रॉफी उन्हें बांट सकते हैं, उन्हें कुछ खाने को दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। इससे आपके जो रिलेशन अच्छे होने से इसका संबंध है यहाँ पर, इसलिए आपको ये करना है। माँ कात्यायनी आपको इसमें बहुत कुछ देगी, उनकी आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा की पूरी विधि आप नेट से पढ़ के ज़रूर करिएगा, इससे आपके हस्बैंड आपकी बात मानेंगे। जादू टोने टोटके ये तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एक हमारा सात्विक उपाय होता है वो यही होता है, आपको ये करना चाहिए जिससे आपके रिलेशन अच्छे हों। जो शुक्र ग्रह होता है वो होता है हमारे रिलेशंस का। शुक्र का एक मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रो सह शुक्राय नमः। इस मंत्र को आप करिए हर शुक्रवार 108 बार, इससे आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। शुक्र के लिए बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं
तो कहीं ना कहीं कुंडली में शुक्र ग्रह खराब होता है। शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आप शुक्रवार को गाय का हरा चारा खिला सकते हैं। अपने वजन का 10वां हिस्सा आप शुक्रवार को गाय को खिलाइए। देखिए कितनी जल्दी आपके रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि सुखी और विवाहित जीवन जीना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग सन्यासी नहीं हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए शादीशुदा जीवन को अच्छे से जीना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सुखी तभी रहेंगे, शांत तभी रहेंगे, हम लोग प्यार से तभी रह पाएंगे जब हमारा शादीशुदा जीवन भी अच्छा होगा। तो महिलाओं को ये शुक्र के मंत्र का जाप डेली करना चाहिए, हर शुक्रवार करें तो भी अच्छा, और डेली भी आप इसको कर सकते हैं। तो और गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं आप। उसके लिए एक उपाय आज मैं आपको और बताती हूँ, जिससे आपके रिलेशन ठीक हो। गरीब जो कन्या होती है उनका कन्यादान आप करिए। जो गरीब लड़कियाँ होती हैं, कई लोग सामूहिक विवाह कराते हैं, गरीब लड़कियों के लिए कन्यादान आपको करना चाहिए, जिससे आपके रिलेशन ठीक होते हैं, क्योंकि आपकी आय का कुछ हिस्सा उसको जाता है। तो आपकी आय में वृद्धि होती है, आपके घर में बरकत होती है, ये बहुत ही आपके रिलेशन के लिए अच्छा होता है। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे आरती शुरू हो चुकी है मंदिर में, जो कि एक बहुत ही भव्य नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है, हम सबके लिए बहुत अच्छा है। आप भी आरती सुनिए और ये शुक्र के उपाय करते रहिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगले विषय में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, नमस्कार। और आप मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक करते रहिए, और भोलेनाथ की आरती आप भी साथ में करिए। जय माता दी।